जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, न्यू पॉलिसी लागू विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2023, सभी जवान चाहे वो सर्विस में है या रिटायर्ड, उनके लिए एक खुशखबरी है क्योंकि अब उनकी मन की मुराद पूरी होगी। एक नई पॉलिसी बदली है सरकार की तरफ से, और वो क्या पॉलिसी है, कौन सी वो मुरादें हैं जो पूरी होंगी, देखिए दोस्तों ये आपके सामने एक लेटर है जो कि 30 नवंबर 2022 को सेना मुख्यालय की तरफ से जारी हुआ है। सब्जेक्ट आपके सामने है, रिव्यू ऑफ इंटाइटलमेंट ऑफ फोर व्हीलर्स थ्रू सीएचडी कैंटीन, यानी सीएचडी के थ्रू जो आपको फोर व्हीलर गाड़ियां मिलती हैं उनकी जो पॉलिसी थी, जो पॉलिसी 27 अक्टूबर 2020 में चालू हुई थी, अब उसको रिव्यू कर दिया गया है। और वो जो पुरानी पॉलिसी थी जो 27 अक्टूबर 2020 में लागू हुई थी उसको अब सुपरसीड कर दिया गया, यानी कि 27 अक्टूबर 2020 वाली जो पॉलिसी थी उसको अब कैंसिल कर दिया, वो सुपरसीड हो चुकी है, जिसमें पे लेवल्स 3 से 6 तक 6 लाख तक की कैपेसिटी थी और 7 to 9 पे लेवल वालों के लिए 7 लाख की लिमिट रखी गई थी। इसी तरीके से अफसर्स के लिए पे लेवल 10 से 18 तक 15 लाख की जो लिमिट रखी गई थी, अब इसमें चेंजेस हो गए हैं और ये रिव्यू हो गई है। अब जो आप के लिए इंटाइटलमेंट हुआ है वो देखिए दोस्तों, पे लेवल 3 से लेके 5 तक अब ये 8 लाख रुपए की कॉस्ट की गाड़ी खरीद सकते हैं, यानी कि अब आप जो पहली कार है वो सर्विस में 5 साल की सर्विस पूरी होने के बाद ले सकते हैं 8 लाख रुपए की, जिसमें टैक्स वगैरह बाद में लगेंगे, बेस प्राइस 8 लाख रुपए तक का। और दोस्तों, विडो के लिए अगर उनके हस्बैंड ने, सर्विंग पर्सनल ने, जो प्राइमरी बेनिफिशियरी हैं सीआईडी के, उनका कोटा बाकी है तो वो उनकी विडो अवेल कर सकती हैं, लेकिन पहली गाड़ी खरीदने के बाद दूसरी जो गाड़ी खरीदी जाएगी उसके बीच में 8 साल का अंतर होना चाहिए दोनों गाड़ियों के बीच में, पहली से दूसरी की में, और एक गाड़ी सर्विस में और एक गाड़ी सर्विस के बाद। और इसी तरीके से जो पे लेवल 6 to 9 है उनके लिए 10 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है, वही कंडीशन है, पहली गाड़ी आपकी 5 ईयर सर्विस के बाद ले सकते हो। और जब आप जवान रैंक में अगर 5 ईयर्स की सर्विस के बाद एक गाड़ी खरीद लेते हैं तो जेसीओ प्रमोट होने के बाद फिर एक गाड़ी और ले सकते हो इन सर्विस, लेकिन पहली और दूसरी गाड़ी के बीच में 8 साल का गैप होना चाहिए, और पोस्ट रिटायरमेंट के बाद भी आप एक और गाड़ी ले सकते हो, लेकिन उसके और पहली गाड़ी के बीच में भी 8 साल का ही गैप होना चाहिए। और यही कंडीशन है दोस्तों विडो के लिए, कि यानी कि अगर प्राइमरी बेनिफिशियर का कोटा बचा हुआ है तो उनकी जो विडो है वो गाड़ी ले सकते हैं, वो कोटा अवेल कर सकते हैं। और दोस्तों, पे लेवल 10 से 18 के अंदर में जो अफसर्स के लिए, उनके लिए 20 लाख की लिमिट है वंस इन 8 ईयर्स, यानी कि उनके लिए गाड़ी एक लेनी है, दो लेनी है, ऐसी लिमिट नहीं है, वो हर 8 साल में एक गाड़ी ले सकते हैं। यही दोस्तों डिफेंस सिविलियंस के लिए है जो पे लेवल 11 से 18 के बीच में आते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खुशी की बात यह है कि जैसा आप सभी जानते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी आने शुरू हो गए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके इंटाइटलमेंट से अलग एडिशनल आपको ऑप्शन दिया गया है, वो भी आप खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी जो कॉस्ट की लिमिट रखी है वो रखी गई है 5 लाख रुपीज़ तक, और इसमें कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जेसीओ जवान और अफसरों के बीच में वो सभी के लिए कॉमन है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो सीएचडी के अंदर जो पॉलिसी रिव्यू हुई है, जो नई पॉलिसी आई है अब फोर व्हीलर खरीदने के संदर्भ में, उस बारे में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।